विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट 44 देशों में डिटेक्ट हुआ है। ये सभी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी 6 रीजन में स्थित हैं। भारत में पाया गया कोरोना का B.1.617 वेरिएंट बेहद खतरनाक है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के डेली केस, पॉजिटिविटी रेट, एक्टिव मरीजों से जुड़े आंकड़े जरूर राहत देने वाले हैं। बावजूद इसके कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट दुनिया के 44 देशों में दस्तक दे चुका है। देश में B.1.617 वेरिएंट सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में पाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट 44 देशों में डिटेक्ट हुआ है। ये सभी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी 6 रीजन में स्थित हैं। भारत में पाया गया कोरोना का B.1.617 वेरिएंट बेहद खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में दूसरी लहर के बहुत तेजी से फैलने का कारण इसी वेरिएंट को माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्यों भारतीय वेरिएंट मौजूदा समय में चिंता का सबब बना हुआ है। ये वेरिएंट वायरस ओरिजिनल वेरिएंट की तुलना में अधिक आसानी से फैल रहा है। कोरोना पर काम कर रही WHO के वैज्ञानिक मारिया वॉन केरखोव ने कहा था कि कोरोना का B.1.617 वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसकी जानकारी उपलब्ध है। WHO के अनुसार भारत के B.1.617 वेरिएंट वायरस के संक्रमण से अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज भारतीय वेरिएंट B.1.617 को लेकर चिंता जता चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठनों के साइंटिस्टों का कहना है कि इसके कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो ट्रांसमिशन को बढ़ाते हैं और वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज को बनने से रोकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द पंचौरा न्यूज़।